जैसा भी स्वाद खाना हो, अपने मन से भी बनवा के खाना हो, सामने मीट कटवा के खाना हो, हमसे संपर्क करें। सामने कटवा के खाना हो तो अभी हमसे संपर्क करें। एकदम शुद्ध खसी, एकदम शुद्ध खसी, शुद्ध खसी दावा ठोक के। अगर शुद्ध खसी नहीं हो तो पैसा नहीं लेंगे, पैसा दुगना वापस, दुगना वापस सर, दुगना वापस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज हम पहुँच चुके हैं, देखिए मेरे पीछे कन्हैया होटल है। आज यहीं पर हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको टेस्ट करके हम बताएँगे। और यहाँ पे काफ़ी फेमस मिलता है मटन, और यहाँ पे मटन स्टू, कबाब, मटन तास, नून पानी फ्राई मटन, मटन सारे कुछ यहाँ अवेलेबल है। और आराम से आके यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। लोकेशन समझ लीजिए, ये है NH छतौनी, और ठीक और हाईवे के ठीक सामने है सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी, और ठीक इसके सामने है ये कन्हैया होटल, जो मोतिहारी नहीं चंपारण का काफ़ी फेमस होटल है। आज यहीं पर हम एक्सप्लोर करेंगे। हो गया सिटिंग एरिया, फैमिली कैबिन भी है, फैमिली के साथ आप बैठ के आराम से आप यहाँ पे आप खा सकते हैं। अच्छा स्पेस है और काफ़ी साफ सुथरा ये होटल है। चिकन रोटी, चिकन और रोटी, हाँ, लेकिन यहाँ का तो फेमस है अहुना। हाँ, तो अभी चिकन रोटी खा रहे हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे क्या खाते हैं आप? यहाँ पे मटन हांडी खाते हैं और कबाब खाते हैं, लेग पीस, यही सब। 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं हम। 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं? कंटिन्यू 4 साल से आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का मसाला में बनता है इनका, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा मसाला डालते हैं, गरम मसाला में भी बनाते हैं। जीरा जो पाउडर है यही खड़ा गरम मसाला में ही बनता है, खड़ा गरम मसाला में ही बनाते हैं। बाकी लोग जो है पिसा हुआ बाजार से मसाला लाके और बनाता है लोग। इनका बहुत पुराना दुकान है। टेस्टिंग ठीक है, स्वाद भी बढ़िया है। पटिया से आते हैं, यहीं पर काम धंधा करते हैं हम लोग, बिजनेस है, यहीं पर खाना खाते हैं हम लोग। हाँ, इसी होटल में खाते हैं हम लोग, और कहीं नहीं, नहीं। इसका स्वाद ही बढ़िया है, अच्छा खिलाते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आके खाते हैं। अच्छा है खाना का। क्या खा रहे हैं आप? मीट चावल खा रहे हैं। मीट चावल ये। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अविनाश कुमार। अविनाश, क्या बना रहे हो अभी तुम? ये हम बना रहे हैं सीख कबाब का, जो मटन होता है उसको मसाला मिक्स करके रखा जाता है मेरिट होने के लिए 1 घंटा पहले, वो अभी ये हो रहा है। और ये जब मेल्ट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, उसके बाद इसका बनेगा सीख कबाब। क्या क्या डाले इसमें? इसमें डाले हम हल्दी पाउडर डाले हैं, और ये अदरक डाले हैं, लहसुन डाले हैं, और सारा मसाला जैसे है इसमें पोस्ता दाना डाले हैं, गरम मसाला डाले हैं, और इसमें कच्चा तेल डालेंगे। इसके बाद इसको छोड़ देंगे मेल्ट होने के लिए, 1 घंटा मेल्ट हो जाएगा। 1 घंटा बाद ये हो जाएगा? हाँ, 1 घंटा बाद ये मतलब कच्चा ही रहेगा, इसको बस सीख में गांठ करके और सीख कबाब सेकना पड़ेगा। ये कौन सा तेल है ये वाला? ये हाथी मस्टर्ड ऑयल, हाथी ब्रांड का। ये बहुत प्रीमियम तेल है, कॉस्टली तेल ही आता है। अच्छा, यहाँ पे लोकल कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, ये प्योर खस्सी है। प्योर खस्सी है ना? हाँ एकदम। कितना केजी वाला खस्सी है ये? 10 केजी, 11 केजी, इससे ज़्यादा खस्सी नहीं बनता है, क्योंकि कबाब में छोटा खस्सी यूज होता है, बड़ा खस्सी का नहीं बन पाता है, ये कच्चा रह जाता है। चर्बीदार है क्या? जी, काली मिर्च। काली मिर्च जी। ये काफी अच्छा से इसको मिलाया जा रहा है ताकि प्रॉपर मसाला जा सके, और 1 घंटा इसको छोड़ देने पे ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जगह खाली रह जाता है। अच्छा। 1 घंटा इसको छोड़ देंगे, इसके अंदर चला जाएगा, ये सब में चला जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका कबाब तैयार होगा, सीख कबाब। ये हो गया चरबोदा। ये हो गया चरबोदा ना? हाँ, इसको पीस पीस करके और सब गंज में एक एक दो दो लगा करके कस्टमर के डिमांड के ऊपर, जैसा कस्टमर बोले वैसा मिलेगा। ये कबाब का रेडी। ये क्या हुआ? ये चिकन का हो गया लेग, यानी तंगड़ी कबाब। तंगड़ी कबाब, इसमें क्या क्या मिला है? इसमें अभी लहसुन डाले हैं, अदरक डाले हैं, हल्दी डाले हैं। पर लेग 200 से 250 ग्राम का रहता है, और इसका प्राइस है 100 रुपया एक पीस का। एक पीस का
आई वाला कैसे प्राइस है इसका? इसका है आपको 225 का एक गज आता है, जिसमें 250 ग्राम रहता है, और जैसे कस्टमर के ऊपर है, अगर वो कम भी बनवाना चाहे वो भी बन जाएगा, ज़्यादा जितना चाहे उतना बन जाएगा। ये इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च, राकेश है, सब ब्रांडेड है, यहाँ पे कोई लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। ये इसमें जा रहा है मीट मसाला। मीट मसाला जी, ये देखिए, ये क्या फूड कलर है जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे। क्या हुआ? काली मिर्च है थोड़ी जी, थोड़ा सा क्या है? जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर जी। बस बस ये हो गया जी। ये भी अब रेडी है, अब रेडी हो गया। हाँ, अब बस इसको सेकना बाकी है। अब लगेगा इसका सेक सेक करके अब इसको रखा जाएगा, और जैसे कस्टमर आएंगे उनको गर्म करके ये दिया जाएगा, और ये कच्चा ही रहेगा, और ये ऑर्डर के हिसाब से ये बनता है, और ये पहले से इसको आधा पका करके रखा जाता है, और कस्टमर ऑर्डर करते हैं उसके बाद इसको फिर गर्म करके दिया जाता है पूरा सीधा करके। सादा खाना खा रहे हैं? मटन खा नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, मटन नहीं खाते हैं। कैसा टेस्ट है सादा खाना का? अच्छा है। कौन सा फिश है ये? पटिया है। कैसे पटिया है ये? 1200 रुपये किलो। देखिए, कन्हैया होटल में पटिया भी मिलता है, मछली काफ़ी कम जगह पे मिलता है पटिया। ये देखिए, ये लोकल रोहू मछली है। लोकल है जी, एकदम लोकल रोहू मछली है। कैसे प्लेट है ये? ये प्लेट आपको 180 का 6 पीस आता है एक प्लेट सिर्फ मछली, और खाने के साथ अगर कोई लेता है तो 120 में आता है 3 पीस मछली और एक प्लेट चावल। और ये वाला, ये है आपका चिकन कढ़ाई, ये कढ़ाई स्टू है चिकन का। अच्छा, चिकन स्टू जी। ये वाला कैसे प्लेट है? ये वाला 180 का प्लेट है, और 120 में जो खाना मिलता है 3 पीस चिकन और एक प्लेट चावल। और ये एकदम देख ही रहे हैं कैसा है टेस्ट इसका। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इनका ये देखिए रोगन देखिए कितना जबरदस्त है। वाओ, अब ये हो गया मटन, ये हो गया आपका कढ़ाई मटन। कढ़ाई मटन, ये देखिए चर्बी देखिए कितना है, और ग्रेवी कितना इनका थिक ग्रेवी है। ये कैसे है? ये आपका पड़ेगा 280 का एक प्लेट, और खाने में ऐसे मिलता है 160 हम लोग रखे हुए हैं खाने का, वो खाने में पीस में नहीं 3 पीस मिलता है, और उसमें चावल मिलता है 160 रुपये में जी। ये देखिए लेग पीस को अब रोस्ट किया जा रहा है, इसको बोलो, इसको अब रोस्ट किया जा रहा है, लगभग 15 से 20 मिनट इसको पकने में लगेगा, आधा पकेगा ये, उसके बाद इसको रख दिया जाएगा, कस्टमर ऑर्डर करेंगे उसके हिसाब से इसको जितना ऑर्डर करेंगे उतना फिर पूरा पका करके उसको दिया परोसा जाएगा। ये अब तैयार हो रहा है, इसमें समय लगेगा 15 से 20 मिनट इसमें लगता है। ये अहुना मटन हांडी, चंपारण हांडी के नाम से पूरा प्रसिद्ध है इंडिया में। अच्छा, ये हो गया अहुना मटन, ये कैसे किलो है? ये 1000 रुपये के जी बिकता है, और एक केजी, एक हांडी में एक केजी रहता है, लगभग इसको बनाने में लगता है 1.5 घंटा समय, और ये हांडी में प्रॉपर बनता है। ऐसे इंडिया में बहुत जगह चंपारण मटन खुला है, वो सब फेक तरीके से बनाते हैं, वो ऐसा रेसिपी नहीं है इसका। इसका जो ओरिजिनल रेसिपी है वो जो दिखाते हैं यूट्यूब पर अधिकतर जा कर के बाहर में पतना वतना में 90% वो फेक रहता है। ये देखिए, ये पूरा हांडी में ही रहता है, एक केजी इसमें बनता है, आप इसका कलर देख सकते हैं, पीस देख सकते हैं, ये प्योर खस्सी का होगा। प्योर खस्सी? हाँ, प्योर खस्सी। इसमें भी बड़ा खस्सी यूज नहीं होता है, इसमें भी मीडियम साइज का खस्सी यूज होता है।
इसको हम काट रहे हैं कि अंदर जितना मतलब कच्चा रहता है अंदर रह जाता है, उसको अंदर भी सीज जाए, पक जाए अच्छे से, और इसमें जो पानी वानी रहता है वो सब गिर जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो कि कस्टमर को थोड़ा क्रंची लगे। ये इसके ऊपर लगाएंगे हम तेल, तेल लगा करके बीच में सब जितना गैप दिख रहा है उतने में तेल लगाया जाएगा सरसों का, और फिर लास्ट में इस पर घी लगा करके, घी लगाया जाएगा जी लास्ट टाइम, इसको घी लगा के गर्म किया जाता है, टेस्ट आए अपना इसका। देखिए अभी सब में तेल लगेगा, ये कौन सा तेल है, ये वाला? ये वही तेल है जो आप कबाब के टाइम देते हैं। अच्छा अच्छा, तेल से देखिए कितना अच्छा से डाला जा रहा है चिकन के अंदर। ये कौन सा आइटम बना रहे हैं आप? अब ये इसका नून पानी बनने जा रहा है, पानी फ्राई। पानी फ्राई, हाँ। ये बहुत चंपारण में चर्चित अभी चल रहा है, बिना तेल के ये बनता है। हरी मिर्च और काली मिर्च है, काली मिर्च और ये लहसुन का, लहसुन है ये देखिए। और इसमें ये क्या कितना है ये मटन? 250 ग्राम है। ये देखिए नून पानी बन रहा है और इसमें डाला किया पानी, पानी और सिर्फ पानी में ही अब बन के तैयार हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला जाएगा, ये केवल पानी में ही बनेगा। हाँ, केवल पानी में ही बनेगा, कोई मसाला कोई मसाला कोई तेल नहीं है। चलिए, ये बहुत हेल्दी फूड है, इसमें तेल का उपयोग कम ही नाम मात्रा के बराबर ही है, सिर्फ मसाला सानने के वक्त थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है कि मसाला इसमें सत जाए। अच्छा, बस। और अब ये तैयार हो जाएगा लगभग आधे घंटे के अंदर, ये अब तैयार हो जाएगा बन के। ये भी तैयार हो जाएगा। हाँ, ये हो गया पानी फ्राई, ये भी चंपारण में अभी प्रचलित चल रहा है। ये पानी फ्राई जो मटन है वो चंपारण में काफ़ी फेमस है और यहीं का डिश है जो बाहर जाके हर जगह बन रहा है और ये आधा घंटा में तैयार भी हो जाएगा। ये बैंक की थाली लग रही है और SBI बैंक से ऑर्डर आया है। ये देखिए, ये प्लेट में लग गया है चावल, लौकी की सब्जी, आलू की भुंजिया, प्लेन दाल, प्लेन दाल, और ये होगा आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। सैलेड, थाली की क्या प्राइस हो गई? थाली आपको 100 रुपीज़ की होगी। 100। होम डिलीवरी होता है, फ्री कॉस्ट होम डिलीवरी। अच्छा, फ्री होम डिलीवरी। ये हो क्या कन्हैया होटल के ऑनर, क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार हुआ, कन्हैया जी मेरे चाचा जी हुए। अच्छा, कन्हैया जी आपके अंकल हुए? जी मेरे अंकल हुए, मेरा नाम हुआ विक्रम कुमार। हमारे पुश्तैनी बिजनेस है ये, तो पापा लोग संभाल रहे थे, अब हम खुद संभाल रहे हैं। कितना साल ये होटल है पुराना? अप्रोक्स 30 ईयर्स से हम लोग तो ऐसे बोर्ड के तले कर रहे हैं, उससे पहले भी दादा बाबा करते आ रहे थे। अच्छा, दादा बाबा से चल रहा है, बहुत पुराना है सर, लेकिन बोर्ड के तले कन्हैया होटल बोर्ड के तले 30 साल हो गए। इस लाइन में ये काफी पुराना होटल जी जी, काफी पुराना होटल है। होटल खुला? हाँ, हम लोग 2-3 आदमी थे, नया पूरा होटल उटल आने लगा सब। क्या फेमस आपकी यहाँ? हमारे यहाँ होती है हड्डी वाली कबाब। हड्डी वाली कबाब? बिना हड्डी वाली कबाब तो सब जगह सुने कबाब में हड्डी नहीं, कबाब में हड्डी नहीं, हमारे यहाँ होता है हड्डी वाली कबाब। एक बार वो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया, मतलब वो नून पानी हो गया जो सिर्फ पानी में बनता है, सिर्फ पानी में मीट बिना मसाले का स्वाद एकदम लाजवाब। और हांडी मटन पूरा विश्व प्रसिद्ध अभी चल रहा है, हांडी मटन वो हमारे यहाँ है, बहुत बढ़िया है। स्टू चावल है, रोटी है, सब बढ़िया है भैया। हांडी 1000 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं, नून पानी 900 रुपये किलो बेचते हैं, कबाब 900 रुपये किलो बेचते हैं, और खाना 160 रुपये में एक प्लेट, 160 रुपये में आप खा लीजिए। हाँ, मटन चावल 3 पीस मटन होता है, एक आदमी खाने लग चावल होता है, 1-2 रोटी हम लोग एक्स्ट्रा का पैसा भी नहीं लेते हैं। 1-2 खा ले तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं रोटी का? नहीं। और चिकन? चिकन 120 रुपये प्लेट है, 3 पीस चिकन, चावल और शाकाहारी खाना 80 रुपये प्लेट खा के होम डिलीवरी हम पहुंचा देंगे, तो 100 रुपये।
तीन किलोमीटर चार किलोमीटर के रेडियस में कहीं। ये होम डिलीवरी सब फ्री है? सब फ्री है होम डिलीवरी। अच्छा आपका ये एड्रेस क्या हुआ? एड्रेस हो गया छतौनी चौक मोतिहारी चंपारण बिहार। अच्छा ये कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 96617-12427। किसी भी ऑर्डर के लिए हमको संपर्क करें आप, जैसा भी स्वाद खाना हो, अपने मन से भी बनवा के खाना हो, सामने मीट कटवा के खाना हो, हमसे संपर्क करें। सामने कटवा के खाना हो तो अभी हमसे संपर्क करें। एकदम शुद्ध खसी, एकदम शुद्ध खसी, शुद्ध खसी दावा ठोक के। अगर शुद्ध खसी नहीं हुआ तो पैसा नहीं लेंगे, पैसा दुगना वापस, दुगना वापस सर, दुगना वापस। अच्छा ये टाइमिंग क्या है आपका? टाइमिंग हो गया सर सुबह 9 बजे से रात 10, 10:30, 11 बजे तक हम लोग रहते हैं। मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा खाना, क्वालिटी का खाना मिलेगा। 11 बजे रात तक हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। चलिए थैंक यू। थैंक यू। मतलब कम हो गया है, मतलब 50 तक हम भेजते हैं। आरबीओ में 50, ब्रांच में 8। तो ये ब्रांच का है 8 है, आरबीओ का भी ऑर्डर नहीं है। अच्छा ये ब्रांच का? हाँ ब्रांच का है, 8 ऑर्डर है, आरबीओ का जाता है तो 50। तो अभी आरबीओ में क्लास व्लास नहीं चल रहा है, वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं ना, उनका क्लास चलता है तो 50-60 पर डे का खाना जाता है उनका। ओना है, ओना मटन है जी। क्या टेस्ट किया है? बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं तो रेगुलर का कस्टमर हूँ यहाँ का, अक्सर ही आते रहते हैं हम लोग। अक्सर आते हैं? अक्सर आते हैं हम लोग, ओना ही खाते हैं जी। जी काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, तो मुझे मतलब आम उधर से उससे काफ़ी अच्छा ये लगता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मोतिहारी में हम लोग जब भी खाना खाने के लिए आते हैं, हम लोग बाहर से आते हैं तो यही आते हैं खाना खाने के लिए। कन्हैया होटल में आते हैं? हाँ कन्हैया होटल में आते हैं खाने के लिए। क्या स्पेशल क्या खाते हैं आप? स्पेशल हम लोग मटन अपना जो खाते हैं, चंपारण का जो फेमस है वही हम लोग खाते हैं। ये देखिए नून पानी फ्राई मटन अब बन के तैयार हो गया, और इधर इनका मटन टास बन रहा है। और इधर नून पानी फ्राई बन रहा है। अब ये देखिए मेरा प्लेट लग रहा है, और मुझे प्लेट में मिल रहा है कौन सा पीस दे रहे हैं आप? पूट का और सीना का पीस दे रहे हैं भैया आपको हम। पूट और सीना, ये देखिए सीना का पीस खाने में लाजवाब बेहतरीन हो, पूट और सीना का पीस खाने में लाजवाब और बेहतरीन होता है, इसीलिए हम आपको एकदम अपनी ओर से लाजवाब और बेहतरीन खिलाने का, हम बनाते लाजवाब हैं लेकिन आपको खिला भी लाजवाब तरीके से रहे हैं। खाइए आप और हमको आप भी रिव्यू दीजिए। मेरे चावल ही कल रहा है देखिए, इधर हो गई गरम गरम रोटी। आपको सामने मिलेगा गरम गरम रोटी बना के, ये नहीं कि ठंडा यहाँ पे दिया जाता है रोटी, एकदम सामने बनता है। अच्छा ये हो गया नून पानी, और ये हो गया सैलेड। देखिए ये हमारी प्लेट आ चुकी है, और ये मिला है मुझे नून पानी फ्राई मटन जो चंपारण में काफ़ी फेमस है ये। और ये है मटन स्टू, ये देखिए, और साथ में मिला है चावल रोटी और सैलेड। ये सैलेड जो मिलता है ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। चलिए अब खाते हैं रोटी के साथ इनका मटन। ये देखिए रोटी भी, देखिए रोटी भी इनका बढ़िया है, गरम रोटी है और काफ़ी सॉफ्ट है। थोड़ा सा लेते हैं ग्रेवी, ये देखिए मुझे मिला है 3 पीस मटन और चावल 160 रुपया में। और पीस का साइज़ देखिए भाई, ये पीस का साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज है। ये जो भी आपके सामने है ये साइज़ देखिए, इतना बड़ा साइज कोई मतलब बहुत ही कम लोग होटल वाले होंगे जो इतना बड़ा साइज आपको देंगे, और साइज़ भी इनका अच्छा है। चलिए खाते हैं इनका सीना का पीस। इनका जो मटन है तो काफ़ी सॉफ्ट है, अब बढ़िया से पका हुआ है। थोड़ा सा लेते हैं रोटी, थोड़ा सा लेते हैं ग्रेवी, और ग्रेवी देखिए कितना थिक है, काफ़ी थिक है ग्रेवी। ये देखिए थोड़ा सा ग्रेवी लेते हैं रोटी पे, ये
मसाला भी इनका अच्छा से तैयार करके दिया गया है। इनका मटन स्पाइसी भी है। थोड़ा सा लेते हैं इनका ग्रेवी, और ग्रेवी जो है ना इनका, इनका जो ग्रेवी है वो काफ़ी चटपटा है। ये पीस देखिए इनका, थोड़ा सा पीस को तोड़ते हैं। ये देखिए एकदम एकदम हल्का सा छूते ही, एकदम हल्का सा छूते ही, ये इतना सॉफ्ट है, अलग हो गया पीस। ये देखिए ऊपर देखिए कितना तेल है मटन के ऊपर, देखिए ये देखिए कितना तेल है। किसको तेल मसाला पसंद होगा उसके लिए ये होटल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रोटी करते हैं साइड, थोड़ा ग्रेवी लेते हैं। ये देखिए वैसे ही मेरा मटन निकला है, वैसे ही मेरा मुंह में भर भर के बाल्टी पानी आ रहा था इसको खाने के लिए। और ये चावल देखिए, चावल इनका बासमती चावल दे रहे हैं, और जगह आपको ये उसना चावल मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको बासमती चावल दिया जा रहा है अच्छे क्वालिटी के। बहुत बढ़िया है मटन, ये देखिए धनिया की चटनी। रैंकिंग की बात की जाए तो इनका मटन स्टू का रैंकिंग हम 10 में 10 देंगे। मुझे इनका मटन स्टू काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए हम इसको रैंकिंग में 10/10 देंगे, मुझे इतना अच्छा लगा। अब इनका ट्राई करते हैं नून पानी फ्राई, नून पानी फ्राई मटन। ये जो मटन होता है ना एकदम बिना तेल में बिना मसाला का ये बनाया जाता है, और एक हेल्दी फूड है ये, काफ़ी हेल्दी फूड है ये। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए आपको साफ तेल नहीं मिलेगा, ना तेल मिलेगा ना मसाला मिलेगा, ये देखिए एकदम ड्राई, कुछ भी नहीं इसमें। चलिए इसको ट्राई करते हैं अब। ये वाह बहुत बढ़िया, गजब का टेस्ट है ये। बहुत बढ़िया, ऐसे आप नून पानी फ्राई मटन को, ये देखिए नून पानी फ्राई मटन को आप चूरा से लाई से आप बढ़िया से खा सकते हैं। ये देखिए नून पानी फ्राई मटन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। रैंकिंग की बात की जाए तो इसको मैं 10 में 7 दूंगा। अभी भी अच्छे तरह से पका हुआ है इनका मटन, ये नहीं कि इसमें मसाला नहीं है तेल नहीं है तो अच्छा से पका हुआ नहीं है, ये भी बात नहीं है। बहुत बढ़िया से इनका नून पानी फ्राई मटन पका हुआ है। तिहारी में मैंने काफ़ी होटल का वीडियो शूट किया है, सबका मटन का टेस्ट अलग अलग है, लेकिन इनका जो टेस्ट है कन्हैया होटल का टेस्ट है वो सबसे अलग है। आप ही आइए और कन्हैया होटल में इनका मटन स्टू, ताश कबाब और नून पानी फ्राई मटन ये तो ज़रूर खाइएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कन्हैया होटल का मटन का टेस्ट कैसा लगा। ये आ गया, ये देखिए ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री में चरगोदा, ये आप चाह सकते हैं, आपको अलग से मिल जाएगा। चलिए ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।